फैमिली, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम आपके लिए लाए हैं बर्गर की एक बढ़िया सी रेसिपी जो कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इतना सिंपल कि हर कोई बर्गर बनाना सीख जाएगा आज। तो आपके लिए एकदम सिंपल सी रेसिपी लाई हूँ क्रिस्पी जूसी चिकन बर्गर की। तो अगर आपको जानना है इसे कैसे बनाए तो चलिए देखते हैं। क्रिस्पी चिकन बर्गर बनाने के लिए मैंने लिया हाफ के जी चिकन। अब यहाँ मैंने कुछ पार्ट ब्रेस्ट का लिया, कुछ थाइस का लिया। आपको रेकमेंड करती हूँ कि आपको अगर बाहर जैसा चाहिए टेक्सचर तो आप थाइस का ही लीजिए। मैंने यहाँ थोड़ा मिक्स चिकन लिया है। तो यहाँ पर मैंने पहले चिकन को चाकू से ऐसे खड्डे कर लिए। अब इस पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट अप्लाई कर दिया है। अब हाथों से ही लगाना ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन में लग जाए। अब मैंने यहाँ 1 टीस्पून सॉल्ट ऊपर से डाला है और इसको भी अच्छे से चिकन में रब कर लूँगी। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून पेपर पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। अब इसको भी अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए चिकन में। हाथों से अच्छी तरह से हमें मसाले को चिकन में लगा देना है ताकि मैरिनेशन चिकन में अच्छी तरह से लग जाए। अब यहाँ चिकन में अच्छी तरह से मसाला लग गया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने हाफ लेमन को इसमें स्क्वीज करके डाला है, तो आप भी डाल दीजिए। और इसे मिक्स कर कर 1 घंटे का रेस्ट देना है हमें। अगर आप इसको ओवरनाइट भी रेस्ट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 घंटा ही ना। अब मैरिनेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब बर्गर को असेंबल करने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए पहला हमें बटर ऐड करना है पैन में और बटर को अच्छी तरह से फैला लेना है पैन के अंदर। और बर्गर बंस को बीच में से कट करके उसे सेक लेंगे। तो अच्छे से इसे सेक लेना है जब तक कि हल्का हल्का सुनहरा ना हो जाए। इसको जब हल्का हल्का गोल्डन हो जाएगा बन, तो हम इसे निकाल लेंगे। ये रेसिपी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मेरे घर वालों को भी काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पर अगर आपको कोई पर्टिकुलर बर्गर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगी वो रेसिपी भी। तो यह हमारे बर्गर पैंस अच्छे से सीख गए, तो अब इसे निकाल लेंगे हम। हमारे बर्गर बंस तो एकदम रेडी है। तो अब जो बर्गर में मेयो जाता है बर्गर में उससे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में 4 टेबलस्पून मेयोनीज डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली सॉस डाला है और 3 टेबलस्पून मैंने केचप डाला है। अब ये तीनों को अच्छे से मिक्स करना है और आपका बर्गर मेयो रेडी है। बाहर से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम बाहर जैसा टेस्ट आता है और बहुत डिलीशियस है। कितना सिंपल था, है ना। तो अब यहाँ इसे मिक्स कर लेंगे और हमारा बर्गर मेयो भी रेडी हो गया है। अब क्रिस्पी पैटी को बनाना है तो चलो उसे रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून पेपर ऐड कर दिया है, ब्लैक पेपर। अब इनको मिक्स कर लेंगे हाथों से और जो हमारा मैरिनेशन हमने रेस्ट करने रखा था उसमें से 1 चिकन का पीस ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लेंगे। आप बेटा हाथों से ही करिए तो अच्छा अच्छे से कर पाओगे। तो हम इसे मैदे से कोट कर लेना है अच्छी तरह। अब एक बाउल में मैंने चिल्ड वाटर लिया है। अब बहुत से टेक्निक है पर मुझे ये टेक्निक पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से चिकन को पानी में सोक कर लेना है और फिर से इसे मैदे में कोट कर लेंगे। और एक पैन में मैंने यहाँ ऑयल गरम करने रखा है, उसमें हम इसे डाल देंगे। यहाँ मेरा अच्छे से आपको इसको दबाना ताकि अच्छे से मैदे की कोटिंग इसमें आ जाए। अब इसे हम फ्राई करने डाल देंगे। चिकन तो चला गया तेल में, इसे थोड़ी देर स्लो फ्लेम से, अब डायरेक्ट इसे थोड़ा फास्ट फ्लेम पे करना है हमें। और अभी इसे फ्लिप कर देंगे, जैसे ये आपको ऐसा वाइट वाइट दिखने लग जाए, चिकन पकने दिख रही है आपको। हाँ, अब इसे हम फ्लिप करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक ये हल्का गोल्डन ना हो जाए। अब यहाँ हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो हमने करछी ले ली है, अब चिकन को उसमें डालते जाएंगे और उसे तवे के ऊपर ही रखेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो भी है वो निकल जाए। अब उसे अच्छे से झटक कर जो भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए और इसे टिश्यू पेपर पे हम रख देंगे ताकि सारा ऑयल सोख ले टिश्यू पेपर।
और आपकी क्रिस्पी पैटी तो रेडी हो गई है, लग रही है ना बहुत डिलीशियस। तो अब इसे हम असेंबल करना है हमें, तो यहाँ मैंने इसे टिश्यू पे निकाल लिया है और अब असेंबल करने जाएंगे। अब बर्गर को असेंबल करने के लिए हमने जो स्टार्टिंग में बर्गर बन को पैन पे बटर से सेका था, उस पर मैं घर में बनाया हुआ बर्गर मेयो ऐड कर लूँगी और इस पर अब हम लेटस रख देंगे। अगर आपको लेटस नहीं मिलता है तो आप कैबेज लीव्स ले लीजिए, टेस्ट थोड़ा डिफर लगेगा पर अगर नहीं मिलते हैं तो, पर लेटस यूज़ करोगे तो एकदम बाहर वाला टेस्ट आएगा। तो अब इस पर मैं रख दूँगी चिकन क्रिस्पी, हमारी क्रिस्पी चिकन लग रहा है ना डिलीशियस, मुँह में आ रहा है ना पानी। अगर बर्गर देख के मुँह में पानी आ रहा है आपके, बर्गर लग रहा है ना डिलीशियस, तो एक लाइक तो बनता है। तो अब यहाँ पर मैं ऊपर से भी इस पर मेयो लगा दूँगी, बर्गर मेयो, और जो भी हमें टॉपिंग्स ऐड करनी है वो हम इस पर ऐड कर देंगे। अब दूसरे साइड बन पर मैंने केचप लगा दिया है, आप चाहे तो बर्गर मेयो भी लगा सकते हो, यहाँ मैंने केचप लगाया है। तो उसके बाद टॉपिंग्स वगैरह ऐड करके बर्गर बन को ऊपर रख दीजिए, आपका डिलीशियस बर्गर रेडी है। आप ज़रूर बनाना और इसे खाना, आप मुझे ज़रूर याद करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ऐसे डिलीशियस वीडियो के लिए हमारे चैनल पर फिर से विज़िट करना। बाय बाय, टेक केयर।